चलिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 3 बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। आप जानते हो कि किसी भी एक्ट में दो तरह के क्लॉजेज ऐड किए जाते हैं, एक डेफिनेशन क्लॉज और दूसरा इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो सेक्शन 3 इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूट, जिसमें कई सारे वर्ड्स के मीनिंग को इंटरप्रेट किया गया है, जो कि ज़रूरी है, जो कि बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। और साथ ही अगर आप लॉ ऑफ एविडेंस को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको इन सभी वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए जिसे सेक्शन 3 में दिया गया है। अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के इम्पोर्टेंस को देखें तो अक्सर एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से इन टर्म्स के बारे में पूछ लिया जाता है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें किन किन टर्म्स के बारे में आज के इस लेक्चर में बात करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्ट के मीनिंग को किस तरह से एविडेंस लॉ में इंटरप्रेट किया गया है, फैक्ट किसे हम कहेंगे, रेलेवेंट फैक्ट किसे कहेंगे, फैक्ट एंड इशू क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, प्रूव्ड फैक्ट्स क्या होते हैं, डिसप्रूव्ड फैक्ट क्या है और नॉट प्रूव्ड। सेक्शन 3 में ही एविडेंस के मीनिंग को भी इंटरप्रेट किया गया है। आप जानते हो कि एविडेंस क्या है, इसे लॉ ऑफ एविडेंस में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एविडेंस के बारे में नहीं बात करेंगे। क्यों? रीज़न इज कि हमने अपने सेकेंड लेक्चर में एविडेंस क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स को विथ प्रॉपर नोट्स, एग्जांपल्स एंड केस लॉज समझ लिया था। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन्हीं फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कोर्ट क्या है, किस तरह से लॉ ऑफ एविडेंस कोर्ट के मीनिंग को इंटरप्रेट करता है। चलो कोर्ट देखो, जब कभी भी हम कोर्ट वर्ड को रेफर करेंगे तो वी विल रेफर ऑल जजेस, हम सभी जजेस को इंक्लूड करेंगे, हम सभी मजिस्ट्रेट्स को इंक्लूड करेंगे और उन सभी पर्सन्स को इंक्लूड करेंगे जो लीगली ऑथराइज्ड हैं टू टेक एविडेंसेस, लेकिन जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो विद इन द मीनिंग ऑफ कोर्ट नहीं आते हैं, यानी कोर्ट डज नॉट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर्स। कन्फर्म? तो कोर्ट मीन्स ऑल जजेस, सभी जजेस आपके बेरक में दिया हुआ है, ठीक है, ऑल मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल दोज पर्सन्स, वो सभी पर्सन्स हु आर लीगली ऑथराइज, जो कि क्या है, लीगली ऑथराइज हैं टू टेक एविडेंसेस, बट इट डज नॉट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर्स। तो आर्बिट्रेटर्स विद इन द मीनिंग ऑफ कोर्ट नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कोर्ट। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्ट क्या है। लॉ ऑफ एविडेंस में एक वर्ड जो बार बार यूज किया जाता है वो है फैक्ट, दूसरा फैक्ट इन इशू और तीसरा रेलेवेंट फैक्ट। तो आइए एक एक करके इन्हें हम समझते हैं।
करूंगा क्योंकि डेयर एक्ट में इन्हें डिफाइन, इनके मीनिंग को इंटरप्रेट किया गया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट। देखो अगर हम जनरल वर्ड्स या अगर हम फैक्ट के जनरल कंसेप्ट को देखें तो इन जनरल वर्ड्स फैक्ट मींस एग्जिस्टिंग थिंग्स। फैक्ट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग थिंग्स, ठीक है। फैक्ट का मतलब क्या है? फैक्ट मींस एग्जिस्टिंग थिंग्स। लेकिन जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है वो फैक्ट के मीनिंग को एक वाइडर स्कोप प्रोवाइड करता है। अगेन ये फैक्ट को डिफाइन नहीं करता है, बस ये बताता है कि फैक्ट इंक्लूड्स या फैक्ट अंडर लॉ ऑफ एविडेंस इज कैटेगराइज्ड इन टू ग्रुप्स। हमने फैक्ट को दो कैटेगरीज में बांट रखा है, ठीक है। एक फिजिकल फैक्ट्स दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। एक फिजिकल फैक्ट्स और दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे हम मेंटल फैक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ एविडेंस फैक्ट को डिफाइन नहीं करता है, ये फैक्ट को दो वेज में या दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करता है, एक फिजिकल फैक्ट और दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। फैक्ट का जनरल कंसेप्ट क्या है? फैक्ट का जनरल मीनिंग क्या है? एग्जिस्टिंग थिंग्स, द थिंग्स विच एग्जिस्ट नोन एज फैक्ट्स इन जनरल टर्म, बट लॉ ऑफ एविडेंस हैज प्रोवाइडेड अ वाइडर एक्सप्रेशन टू द वर्ड फैक्ट, राइट। तो एक फिजिकल फैक्ट्स और दूसरा साइकोलॉजिकल या मेंटल फैक्ट्स। देखो फिजिकल फैक्ट्स में क्या है, देखो इसमें कहता है एनीथिंग, दूसरा कहता है स्टेट ऑफ थिंग्स, तीसरा कहता है रिलेशन ऑफ थिंग्स। अच्छा फिजिकल फैक्ट्स का मतलब होता है वो सभी फैक्ट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, विच कुड बी ईजिली सीन, हर्ड और फिल्ड बाई अदर पर्सन्स नोन एज फिजिकल फैक्ट्स। तो ऐसे फैक्ट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो क्या है? फिजिकल फैक्ट्स है। और इसमें कहता है एनीथिंग, कोई भी चीज जिसे सुना, देखा या महसूस किया जा सकता है वो क्या है? फैक्ट है। दूसरा कहता है स्टेट ऑफ थिंग्स, जो चीजें थी व्हेन द क्राइम हैपेंड, जब क्राइम हुआ, जब ऑफेंस हुआ, तो जो चीज़ें थीं उनका पोजीशन कैसे था, वो किस स्टेट में थी। जैसे कि एक पर्सन का मर्डर्ड हो चुका था, उसके बगल में नाइफ रखा हुआ था, टेबल थोड़ा सा टेढ़ा था, चीज़ें बिखरी हुई थी, तो ये क्या है? स्टेट ऑफ थिंग्स है। और स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है? फैक्ट है। कौन से फैक्ट है? फिजिकल फैक्ट्स है, बिकॉज हम उन चीज़ों के पोजिशन को देख सकते हैं। फिर रिलेशन ऑफ थिंग्स, जब क्राइम हुआ तो एक चीज का रिलेशन दूसरे चीज के साथ कैसा था। जैसे मान लो ये कहा जा रहा था कि एक पर्सन ने अपना सुसाइड कर लिया है, गन से अपने आप को शूट कर लिया है, तो उसके जब वो उसका जो डेड बॉडी था उस पर्सन का, उसके हाथ में रिवॉल्वर था, एक गन था, तो जो गन था वो उसके हाथ में था, दिस इज कॉल्ड एज रिलेशन ऑफ थिंग्स। तो ये रिलेशन ऑफ थिंग्स भी क्या है? फैक्ट है। तो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड रिलेशन ऑफ थिंग्स आगे कहता है कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिसे आप अपने सेंसरी ऑर्गन से परसीव कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सभी फैक्ट्स क्या हैं? फिजिकल फैक्ट्स हैं, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस क्या हैं? फैक्ट हैं। कौन से फैक्ट हैं? फिजिकल फैक्ट्स, ठीक है। दूसरा कहता है
साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या मेंटल फैक्ट्स। तो एक है हमारे पास फिजिकल फैक्ट और दूसरा है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्ट, या इसे हम मेंटल फैक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब एक पर्सन होश में था, व्हेन अ पर्सन वाज कॉन्शियस, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, वेदर ही वाज एबल टू जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स और नॉट। क्या वो जब कॉन्शियस था तो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो चीज़ों के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर पा रहा था कि नहीं कर पा रहा था। तो ये भी क्या एक फैक्ट है, और ये फैक्ट है साइकोलॉजिकल फैक्ट, राइट। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट या मेंटल फैक्ट में इंटेंशन, ए ने बी का मर्डर किया, उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या था, ये क्या है एक फैक्ट है। नॉलेज, ओपिनियन, उसका रेपुटेशन, उसने जो एक्ट किया वो गुड फेथ में किया या फ्रॉडुलेंट वे में किया, तो ये भी क्या है फैक्ट है। और कैसा फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है या मेंटल फैक्ट है। तो लॉ ऑफ एविडेंस हमें ये कहता है कि हम फैक्ट को दो वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक फिजिकल फैक्ट और दूसरा मेंटल फैक्ट या साइकोलॉजिकल फैक्ट। क्योंकि आप जानते हो कि क्राइम के दो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया। एक्टस रिया का मतलब है गिल्टी एक्ट और मेंस रिया का मतलब है गिल्टी माइंड, ठीक है। तो फैक्ट मींस बोथ फिजिकल फैक्ट्स एज वेल एज मेंटल फैक्ट्स, जिसमें इंटेंशन, ओपिनियन, नॉलेज, रेपुटेशन, ठीक है। तो ये है हमारा फैक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट क्या है, देखो करेंगे रेलेवेंट फैक्ट क्या है। देखो रेलेवेंट फैक्ट, देखो हम जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर 2 है इस पर्टिकुलर एक्ट का, वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, और ये सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 55 तक है। यानी चैप्टर 2 बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 55 तक। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है और उसे हम रेलेवेंट फैक्ट मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होता है, उन वेज में जो वेज दिए गए हैं सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 55 तक, तो वो फैक्ट क्या है, वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन वन फैक्ट इज कनेक्टेड विथ अदर फैक्ट इन एनी ऑफ द वेज गिवन राइट फ्रॉम द सेक्शन 5 to 55 ऑफ दिस एक्ट। या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू तो नहीं है, एक ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह से कनेक्टेड है कि वो फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को, या नॉन एग्जिस्टेंस को श्योर कर सकता है, प्रूफ कर सकता है, ठीक है। तो
these are those facts which though are not fact and issue, जो कि fact and issue तो नहीं है लेकिन इस तरह से connected है कि वो fact and issue के existence या non existence को prove कर सकता है. वो क्या है? relevant fact है. जैसे मान लो A और B के बीच dispute था ये लेकर के कि ये कहता है कि B ने मुझसे 50,000 रुपीस लिया है जिसका payment इसने अभी तक नहीं किया है. राइट. तो बी क्या करता है? बी एक लेटर शो करता है जिसमें ए राइटिंग में एक्सेप्टेंस दिया रहता है कि इस पर्टिकुलर डेट पर उसने बी से 50,000 रुपीस इंटरेस्ट के साथ रिसीव कर लिया है, जिसपे ए का बकायदा साइन भी होता है. तो ये लेटर क्या है? एक रेलेवेंट फैक्ट है जो फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकता है. यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या ए ने बी को पैसे दिए हैं? अगर दिया है तो प्रूफ करें. और बी ये कह रहा है कि उसने उस अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ लौटा दिया है, तो अगर उसने लौटा दिया है तो उसे प्रूफ करें. तो ये क्या कर रहा है? बी अपने ओपिनियन के फेवर में एक लेटर शो कर रहा है इन द कोर्ट. और ये लेटर, ये जो दो क्वेश्चंस हैं, यानी ये जो फैक्ट एंड इशू है उसके एग्जिस्टेंस को क्या कर रहा है? कंफर्म कर दे रहा है कि बी ने पैसे लौटा दिया है. तो ये क्या है? ये रेलेवेंट फैक्ट है. दैट लेटर इज अ रेलेवेंट फैक्ट. क्लियर है? चलिए, तो ये है रेलेवेंट फैक्ट. अब हम बात करेंगे फैक्ट एंड इशू के बारे में. चलिए, फैक्ट एंड इशू. देखो, वो फैक्ट जो इशू में बना हुआ है, वो फैक्ट जिसके ऊपर पूरा का पूरा जजमेंट बेस्ड है, द फैक्ट ओवर विच द जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज प्योरली बेस्ड, नोन एज फैक्ट एंड इशू. वो क्या है? फैक्ट एंड इशू है. तो आप कह सकते हो कि फैक्ट इन इशू का मतलब होता है मैटर इन डिस्प्यूट. फैक्ट इन इशू का क्या मतलब है? फैक्ट इन इशू का मतलब है मैटर इन डिस्प्यूट. मैटर इन डिस्प्यूट. वैसे फैक्ट्स जिनके ऊपर जो कोर्ट है वो जजमेंट ड्रॉ करता है, उन फैक्ट्स को हम कहते हैं फैक्ट इन इशू. जैसे ये जो एग्जांपल था कि ए ने बी को 50,000 रुपीस दिया है, तो ए जो है बी के ऊपर एक आरोप लगा रहा है कि इसने 50,000 रुपीस का पेमेंट नहीं किया मुझे, और इसने इस पर्टिकुलर अमाउंट को इस पर्टिकुलर डेट पे मुझसे लिया था. ठीक है, तो ये क्या है? मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी है. ये क्या है? फैक्ट इन इशू है जो कि अगर कंफर्म हो जाता है तो कोर्ट आसानी से जजमेंट डिलीवर कर सकता है. ठीक है, तो ये क्या है? फैक्ट इन इशू है. या हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट इन इशू वो फैक्ट्स होते हैं, दीज आर दोज फैक्ट्स विच आर अलेज्ड बाई वन पार्टी, जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर लगाता है और दूसरा पार्टी उस फैक्ट को डिनाई कर देता है. वो क्या है? फैक्ट इन इशू है. तो आप कह सकते हो कि दीज आर दोज फैक्ट्स विच आर अलेज्ड बाई वन पार्टी एंड डिनाइड बाई अदर पार्टी. वो क्या है? फैक्ट इन इशू है. या वो फैक्ट जिसका डिटर्मिनेशन लीड्स टू डिस्पोजल ऑफ केस, वो फैक्ट जो अगर डिटरमाइन हो जाता है तो केस का डिस्पोजल हो सकता है आसानी से, उसे हम कहते हैं फैक्ट इन इशू. ठीक है, ओके. चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं. चलो, तो हम लेते हैं एक ठोस सिविल केस, हम लेते हैं सिविल केस एग्जांपल और क्रिमिनल केस एग्जांपल. चलो,
मान लो ए जो है वो बी के ऊपर एक सूट फाइल करता है ये कहते हुए कि बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट एंड इशू क्या है? सबसे पहला जो फैक्ट एंड इशू है वो ये है कि ये चीज़ कंफर्म हो कि क्या ए और बी के बीच सच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट था। दिस इज फैक्ट एंड इशू। और दूसरा क्या है, क्या सच में बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो ये क्या है, दीज आर फैक्ट एंड इशू। अगर ये दो बात कंफर्म हो जाते हैं तो कोर्ट आसानी से जजमेंट डिलीवर कर सकता है। ठीक है, चलिए क्रिमिनल केस में मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए के ऊपर ये आरोप है कि ए ने बी का मर्डर किया है विथ नाइफ। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे दो फैक्ट एंड इशू है कि क्या सच में ए ने बी का मर्डर किया है और दूसरा ए का इंटेंशन क्या था मर्डर करने का। तो अगर ये दो फैक्ट्स प्रूफ हो जाते हैं तो कोर्ट आसानी से जजमेंट डिलीवर कर सकता है। यानी फैक्ट एंड इशू का मतलब है वो फैक्ट जो इशू में बना हुआ रहता है, जो कि कॉन्ट्रोवर्सी में रहता है और जिसका डिटर्मिनेशन लीड्स टू डिस्पोजल ऑफ द केस। आप कह सकते हो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग का जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसे हम कहते हैं फैक्ट एंड इशू। ठीक है, कंफर्म। चलिए अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट क्या है। देखो, तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए ताकि हमारा रीच बढ़े और चैनल का ग्रोथ हो। यकीन मानिए जितना भी लेक्चर लॉ ऑफ एविडेंस पे मैं लूँगा, अगर आप उतने लेक्चर्स को देख लेते हो तो कोई सा भी पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, हार्ड, आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे इन वीडियोस को देखने के बाद। ठीक है, चलिए चलिए अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या। देखो, वो कोई भी चीज़ जो राइटिंग में है किसी भी लैंग्वेज में वो क्या है, डॉक्यूमेंट। जैसे एक राइटिंग क्या है, डॉक्यूमेंट है। अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड क्या है, डॉक्यूमेंट है। एक मैप, एक प्लान क्या है, डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट या स्टोन क्या है, डॉक्यूमेंट है। एक कैरिकेचर क्या है, डॉक्यूमेंट है। और जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है वो प्रूफ किया जाता है दो वेज में, एक थ्रू प्राइमरी एविडेंस और दूसरा थ्रू सेकेंडरी एविडेंसेस। अगर हम डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूफ करते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, बिकॉज प्राइमरी एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन सेकेंडरी एविडेंसेस। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रूव्ड फैक्ट्स क्या होते हैं। चलिए, प्रूव्ड फैक्ट्स क्या होते हैं, देखो अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। एक फैक्ट को हम प्रूव्ड फैक्ट तब मानेंगे जब कोर्ट में हमने जो भी मैटर्स को प्रेजेंट किया, कोर्ट में हमने जो भी चीज़ों को प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने उन सभी मैटर्स को कंसीडर करने के बाद किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को लेकर के कोर्ट कंफर्म हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं फैक्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो प्रूव्ड फैक्ट का मतलब है व्हेन द कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द मैटर्स, जब कोर्ट उसके सामने जो भी मैटर्स प्रेजेंट किया जाता है उन्हें कंसीडर करने के बाद किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को लेकर के
कन्फर्म हो जाता है तो हम कह सकते हैं फैक्ट इज प्रूव्ड, ठीक है। या एनी प्रूडेंट पर्सन मे बिलीव आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द मैटर्स, एक प्रूडेंट पर्सन किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को लेकर के जब कन्फर्म हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फैक्ट है वो प्रूव्ड हो चुका है। जैसे मान लो वही एग्जांपल लेते हैं कि ए बी के ऊपर ये आरोप लगाता है कि बी ने मेरे से 50,000 रुपीस इस डेट पर लिया था जिसका पेमेंट उसने अभी तक नहीं किया है। बी अपने स्टेटमेंट के सपोर्ट में एक लेटर शो करता है जिस लेटर में ए ने एक्सेप्टेंस दिया था इन राइटिंग कि उसने बी से पेमेंट रिसीव कर लिया है इस पर्टिकुलर डेट पर विद इंटरेस्ट और उसका साइन भी रहता है। तो इस रेलेवेंट फैक्ट को कोर्ट में जब प्रेजेंट किया गया बी के द्वारा तो कोर्ट कंफर्म हो जाता है कि बी ने पेमेंट कर दिया है। या जो ऑर्डिनरी पर्सन है वो भी आसानी से ये मान लेंगे कि हाँ बी ने पेमेंट कर दिया है, तो ये क्या है? प्रूव्ड फैक्ट्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नॉट प्रूव्ड फैक्ट्स। नॉट प्रूव्ड फैक्ट्स से पहले हम बात करेंगे डिसप्रूव्ड फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। चलिए तो प्रूव्ड फैक्ट्स का जस्ट उल्टा डिसप्रूव्ड फैक्ट्स कहलाएगा, ठीक है। यानी कोर्ट के सामने जो भी मैटर्स प्रेजेंट किया गया कोर्ट ने उसे कंसीडर करने के बाद ये माना कि जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन कोर्ट आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द मैटर्स प्रेजेंटेड बिफोर इट बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। या कोई भी प्रूडेंट पर्सन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशंस वो किसी फैक्ट के नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर के कन्फर्म हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो फैक्ट है वो डिसप्रूव्ड हो गया है। अच्छा, क्रिमिनल केसेस में प्रूव्ड फैक्ट्स लीड्स टू द कॉन्विक्शन ऑफ पर्सन। अगर प्रोसिक्यूशन दूसरे पार्टी पे कोई आरोप लगाता है और वो प्रूव्ड हो जाता है तो इट लीड्स टू कॉन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है। तो प्रूव्ड फैक्ट्स लीड्स टू द कॉन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड और डिसप्रूव्ड फैक्ट्स लीड्स टू द एक्विटल ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है। क्योंकि जो भी आरोप उस पर लगाए जा रहे थे वो क्या हो गए? डिसप्रूव्ड हो गए। तो इट लीड्स टू What? It leads to acquittal of accused. अब लास्ट है हमारा नॉट प्रूव्ड फैक्ट्स। देखो यही समझ लेते हैं, नॉट प्रूव्ड फैक्ट्स। देखो जब एक फैक्ट ना ही प्रूव्ड होता है, neither proved nor disproved, ना तो वो प्रूव्ड होता है ना ही डिसप्रूव्ड होता है, तो इट इज व्हाट? इट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड फैक्ट्स। नॉट प्रूव्ड फैक्ट्स क्या होते हैं? नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड फैक्ट्स के। यानी जब एक फैक्ट ना ही प्रूव्ड होगा और ना ही डिसप्रूव्ड होगा, यानी आपने दूसरे पर्सन के ऊपर जो भी चार्जेस लगाए ना तो आप उन चार्जेस को कन्फर्म कर पा रहे हो और जिसके ऊपर जो भी चार्जेस लग रहे हैं ना तो वो कम्प्लीटली कोर्ट को ये बिलीव करा पा रहा है थ्रू एविडेंसेस कि ये जो एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो फॉल्स एलिगेशंस हैं,
ठीक है, तो अ फैक्ट विच इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड वो क्या है, नॉट प्रूव्ड फैक्ट्स है, वो क्या है, नॉट प्रूव्ड फैक्ट्स है, और नॉट प्रूव्ड फैक्ट्स ऑलवेज लीड्स टू डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड, डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड, ठीक है, ओके। जैसे एक पर्सन के ऊपर रॉबरी का चार्ज लगा, तो जो भी एलिगेशन इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो ना ही कंप्लीटली प्रूव हो पा रहे हैं और ना ही इसके साइड से उन चार्जेस को कंप्लीटली डिसप्रूव किया जा रहा है। तो यानी अ पर्सन इज नाइदर एक्विटेड नॉर कॉन्विक्टेड, ठीक है, तो व्हेन अ फैक्ट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, इसका मतलब यह है कि वो जो पर्सन है वो ना ही कॉन्विक्ट होगा ना ही एक्विट होगा, पार्टीज को फिर से मौका दिया जाएगा कि वो और भी एविडेंसेस और भी सफिशिएंट एविडेंसेस लेकर के आए, तब तक इट लीड्स टू डिस्चार्ज ऑफ दैट अक्यूज्ड, ठीक है। तो ये था सेक्शन 3 में जो भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स थे जिनके मीनिंग को इंटरप्रेट किया गया है, जो कि एविडेंस लॉ के बेसिक टर्म्स हैं उसे हमने जाना। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।